नमस्कार साथियों, आप सभी का स्ट्राइक सन क्लास में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर आपका 4, जिसमें आज का टॉपिक होगा रोल एक्ट। तो ये दोस्तों बहुत ही क्लास 10 के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा वीवीआई है, और जो स्टूडेंट जो भी विद्यार्थी आपके है क्या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपको मैंने एनसीईआरटी से ये कवर किया और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको डाटा को लिया है। सबसे पहली बात की रोल एक्ट की बात करते हैं हम लोग। वीडियो को आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरा रोल एक्ट समझ में आ जाए। रोल एक्ट का मूल जो नाम था वो आपका था इनार्शियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिव एक्ट, ठीक है, ये आपका इसका मतलब फुल फॉर्म था। अब है क्या कि मतलब रोल एक्ट की बात करें तो बढ़ती क्रांतिकारी को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, किसने, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, किसके, न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। ठीक है जी, समिति बनाई, कब बनाई, 1917। और इसी समिति ने, इस समिति को ही क्रांतिकारी और अराजकता अधिनियम बताया। रॉलेट एक्ट को क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम भी कहा जाता है, और इसे 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में क्या किया गया, पारित किया गया। और इसमें आपका है क्या कि मतलब इसमें रॉल एक्ट के तहत किसी भी इंसान को बिना मुकदमा के, बिना वारंट को गिरफ्तार किया जा सकता है, और कम से कम 2 साल तक उसे जो है कैद किया जा सकता है। और वो जो व्यक्ति गिरफ्तार होगा वो किसी भी प्रकार के वकील को नहीं ले सकता है। तो है क्या कि रॉल एक्ट एक तरह से बहुत मतलब डेंजर एक्ट था। आपने क्या देखा कि रॉल एक्ट का मूल जो नाम था वो क्या था आपका, तो इनार्शियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिव एक्ट था, और ये बढ़ती क्रांतिकारी को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, कौन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड सिडनी न्यायाधीश की अध्यक्षता में, या सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में, आप याद रखना, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाया 1917 में। और इसे लागू कब किया भाई साहब, इस समिति ने इसको मतलब लागू पारित कब किया केंद्रीय विधान परिषद ने, तो आप सिर्फ मार्च 1919 जो है याद कर सकते हैं। डाटा आप 21 तारीख याद भी कर सकते हैं, नहीं भी याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च 1919 में से पारित किया गया था इसको, रॉल एक्ट को, और इसमें कोई अपील जो है नहीं की जा सकती है। इस एक्ट के तहत अगर आप किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इससे कोई अपील जो है इसमें नहीं चलेगा। कम से कम 2 साल तक भी सजा भी हो सकती है, और जिस व्यक्ति को सजा होगा वो कोई भी वकील जो है नहीं रख सकता है। अब है क्या, महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को इसके विरोध में देशव्यापी हड़ताल आयोजित किया। क्या किया, 6 अप्रैल 1919 को क्या किया, देशव्यापी क्या किया, हड़ताल जो है आयोजित किया, गिरफ्तार भी हुए, और इसके विरोध में अंतिम परिणाम जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उभर कर आया है। जलियांवाला बाग के लिए हम स्पेशल वीडियो देखेंगे दोस्तों। अब है क्या, रोल एक्ट के लिए जो है मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं किसने क्या कहा। तो गांधी जी ने बिना वकील, बिना दलील और बिना दलील का जो है कानून कहा। तो है क्या पूछा जाता है रोल एक्ट को बिना वकील बिना दलील का कानून किसने कहा था, तो गांधी जी कहे थे, कौन कहे थे, गांधी जी। और फिर है क्या, रोल एक्ट को काला कानून कौन कहे थे, तो मोहम्मद अली जिना कहे थे, कौन कहे थे, मोहम्मद अली जिना कहे थे। उम्मीद करता हूँ रोल एक्ट आप समझ सकते होंगे कि क्या है, कि रोल एक्ट एक प्रकार का मतलब इसका मूल नाम जो होता है इनार्शियल रिवोल्यूशनरी आपका क्राइम एक्टिव एक्ट था, और इसे 1917 में जो है मतलब एक समिति जो है मतलब रॉलेट सिडनी की अध्यक्षता में चेम्सफोर्ड ने क्या किया, बनाया था, और इस समिति ने आपका मार्च 1919 में इसको पारित कर देती है। और इस कानून के तहत होगा क्या, किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है, और उसे कम 2 साल की सजा सुनाई जाती है। वह व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार के वकील को नहीं रख सकता है। इसके अलावा इस चीज को देखते हुए जो आपके गांधी जी थे वो आपके 6 अप्रैल 1919 को इसके विरुद्ध में क्या किए, देशव्यापी पूरा हड़ताल किए, और इसके बाद जो है इसका जो अंतिम परिणाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड उभर कर आता है। उसके बाद जो है मतलब जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जब होती है, तो ये आप लोग स्पेशल वीडियो में देखेंगे आप जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या होती है, और इस कानून को रोल एक्ट को जो है मोहम्मद अली जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसे काला कानून बताए, और जो हमारे गांधी जी से वो कहे कि बिना वकील और बिना दलील का जो है कानून है। और चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको बता दूं सबसे पहले पंजाब के अमृतसर जिला में हुआ था, और ये आपका है क्या कि मतलब जो पहले ये जो आंदोलन कैसे होता है, तो जैसे कि पहले आपको इसके पहले मैंने रॉल एक्ट बता रहे हैं, रॉल एक्ट के विद्रोह में देशव्यापी जो आपका हड़ताल जो है गांधी जी ने 6 अप्रैल को किया था, और इसके बाद क्या जब विद्रोह किया ये मतलब 6 अप्रैल को किया जाता है, उसके बाद होता है क्या है,
कि दो हमारे मतलब नेता को, राष्ट्रवादी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे आपका है क्या कि ऐसे जगह रख दिया जाता है जिसका जगह का नाम हम पता नहीं रहता है। और इसके विरोध में जो है लोग जो है 10 अप्रैल को आपके पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला आपका है क्या रोग सड़कों को लोग जो है पूरा विद्रोह करते हैं और 13 अप्रैल को जो है एक सभा, सार्वजनिक सभा जो है जलियांवाला बाग में पहुंचती है। उसके बाद होता क्या है कि जो एक उस समय के जो मजिस्ट्रेट थे वो डायर, उन्होंने अपने सेना के द्वारा उस जलियांवाला बाग के हत्या जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेरने के बाद जो है क्या अंधाधुंध उस पर जो है गोलियां बरसानी चालू कर देती है और गोलियां चलाने के बाद क्या होता है उसमें हजारों लोग की जो है मृत्यु हो जाती है, इससे ज्यादा ही होती है, ठीक है, हजारों लोग की मृत्यु हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं, बूढ़े और नौजवान सारे लोग मारे जाते हैं। अब इसी घटना को है क्या विरोध में जो है हमारे मतलब जो गांधी जी होते हैं उन्हें कैसर द हिंद की जो उपाधि दी गई थी वो त्याग करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो नाइट उपाधि त्याग कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे जो शंकरचंद वायसराय की उपाधि जो है वायसराय जो पद है उसे त्याग कर देते हैं। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो आपका बैसाखी के जो है दिन हुआ था। चलिए आपको मतलब समझते हैं कि करके तो है क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड को है क्या नरसंहार हत्याकांड भी कहा जाता है, इसको बहुत ज्यादा मौत नहीं थी, इसको ब्लैक डे के रूप में भी जाना जाता है। और है 6 अप्रैल को देशव्यापी जो है सबसे पहली बात जाने जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, क्या है पंजाब के अमृतसर जिला, कहा है दोस्तों पंजाब के अमृतसर जिला, जलियांवाला जो बाग है वो कहा है पंजाब के अमृतसर जिला में है। और इसमें आप यारना की होगा क्या दोस्तों कि 6 अप्रैल देशव्यापी हड़ताल जो है देशव्यापी हड़ताल गांधी जी ने की, जैसा कि आपको पहले अलग बताया था। फिर 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और इस रेस में ही 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, किचलू का यदि गिरफ्तार कर लिया गया। और ये कौन थे तो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के दोस्तों ये पहले अध्यक्ष थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके ही विरोध में क्या किया गया जलियांवाला बाग में सबसे पहले आपका है क्या बहुत सारे लोगों ने सरकार का विरोध करते हुए 10 अप्रैल को रोडों पर पहुंची। उसके बाद 13 अप्रैल को ये जो है जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा जो है बुलाई गई और इस सभा पर है क्या कि उसमें जो जिला मजिस्ट्रेट थे ओ डायर, कौन जी ओ डायर ने क्या किया कि बिना चेतावनी के इस शांतिपूर्ण सभा पर क्या किया अंधाधुंध एकदम गोलियां जो है चलवाना जो है चालू कर दिया, खुद भी चला था दूसरे भी चला गोली चलाई। इसमें क्या हुआ कि लगभग 1000 लोगों की क्या हो गई हत्या हो गई, मतलब बहुत ज्यादा मारे गए बूढ़े सब मारे गए। और ये जो हत्या दिन हुआ था ये क्या था बैसाखी का दिन था, कैसा था दोस्तों बैसाखी क्या थे दिन थे। और आपको मतलब बताया जाए कि हम बहुत ज्यादा मतलब इसको मतलब बहुत ज्यादा इसके मतलब कहा गया कि बहुत बहुत बुरा किया गया भाई साहब इन्होंने, ठीक है। इसके बाद हुआ क्या इस नरसंहार के विरोध में इसके घटना के बाद में क्या हुआ कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो नाइट उपाधि त्याग कर दिए, शंकरण जो नायर थे वो वायसराय के पद को त्याग कर दिए, फिर जो गांधी जी थे वो कैसर ए हिंद की जो उपाधि है वो त्याग कर दिए। ये भी सारे जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न के जरिए तो आप पढ़ेंगे, साथ ही आप दोस्तों इसे नॉलेज की दृष्टि से पढ़ेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि मतलब आपके देश को आजाद, हमारे देश को आजाद करने के लिए, आपके देश को आजाद करना, सभी हम सभी के देश को आजाद करने के लिए हमारे जो भी मतलब पूर्वज थे उन्होंने कितनी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी है इसे हम जरूर याद करनी चाहिए। अब है दोस्तों कि मतलब यहाँ पर आप याद रखेंगे कि मतलब यहाँ पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे ये कौन थे तो ये बंगाली कवि थे, कौन थे बंगाली कवि थे, आप ये भी याद रखना। इनके बाद में एक एक्स्ट्रा बात कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कौन थे तो बंगाली कवि थे, कौन थे बंगाली कवि थे, आप याद रहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर थे बंगाली क्या थे दोस्तों कवि थे। और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, क्या मिला था नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार भी मिला था और ये बंगाली कवि थे और इन्होंने नाइट उपाधि क्या कर दी त्याग कर दी जब ये नरसंहार हुआ था, ठीक। इसके बाद होता है क्या है दोस्तों ये जो ओ डायर होता है, ये जो ओ डायर होता है इसके बाद की बात करें तो इसके लिए मतलब ये जो घटना की स्थिति की बात क्या होता है कि एक हंटर आयोग जांच समिति बैठाई जाती है, एक जांच समिति बैठाई जाती है, जांच समिति इसके लिए इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जब लोगों ने बहुत ज्यादा इसका बुराई किया तो जांच समिति बैठती है जिसका आयोग नाम होता है हंटर आयोग, क्या हंटर आयोग। तो हंटर आयोग की जो मतलब गठन कब होता है तो 14 अक्टूबर
14 अक्टूबर 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? आप याद रखेंगे 13 अप्रैल कब? 1919 को, क्योंकि सब लोग इकट्ठा कब सार्वजनिक सभा कब बुलाई गई थी जलियांवाला बाग में, तो आप याद रखना 13 अप्रैल को, क्योंकि कितना दोस्तों 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 को। तो जांच समिति का नाम क्या था? हंटर आयोग। क्या था? हंटर आयोग। हंटर आयोग का स्थापना हंटर आयोग कब पारित किया गया? 14 अक्टूबर 1919 को। और इस हंटर आयोग ने ओ डायर को बहुत ज्यादा क्या है कि मतलब डांट फटकार लगाई और इसे जो कहा कि भाई साहब जो ओ डायर हैं आप दो इस्तीफा, क्या दो जी? इस्तीफा, ठीक है, इस्तीफा दीजिए। इसके अलावा इस्तीफा देने के बाद दोस्तों आपका है क्या कि मतलब आगे जाते हैं, और उसके बाद है क्या कि ये आपका जो है मतलब उनकी 1940 में जो है 1940 में ऊधम सिंह के द्वारा गोली मारकर क्या कर दी जाती है? हत्या। अब भाई क्या कि मतलब ओ डायर की हत्या कौन करते हैं? तो ऊधम सिंह करते हैं, और कब करते हैं? तो 1940 में, यानी कि 21 साल बाद। और एक और बात मैं आपको जानकारी बता दूं कि 2023 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का कितना वर्ष हो गया? तो 104 वर्ष। कितना हो गया दोस्तों? 104 वर्ष लगभग हो गए। और ये आपका मतलब 1904 में ऊधम सिंह ने हत्या किया। तो ये भाई दोस्तों वहां पे जो ठहरे थे आपके ओ डायर जो था वो कहां पे था? तो अब इनके रॉयल एशियन सोसाइटी के कैटन हॉल में थे। कौन थे? रॉयल एशियन सोसाइटी। अब इन्हें रॉयल एशियन सोसाइटी के कैटन हॉल में जो है वहां पर क्या किया उन्होंने, वहां पे गए ऊधम सिंह, और वहां पर क्या दोस्तों से गोली मार की हत्या की, ठीक है। और ये भी आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आप आसानी से समझ गए। चलिए आपको एक बार फिर से मैं बताता हूँ शॉर्टकट में आप कैसे जो है क्लास 10 के लिए जा रहे हैं, क्लास 10 बहुत ज्यादा भीड़ है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, सबसे पहले बात, जलियांवाला बाग जो है ये पंजाब के अमृतसर जिला में पड़ता है। 2023 के अकॉर्डिंग क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, नरसंहार जो है, इसके 104 वर्ष जो है पूरे हुए। और फिर आपका है क्या, इस नरसंहार जो है कैसे होता है? तो है क्या कि मतलब 6 अप्रैल को क्या होता है, देशव्यापी हड़ताल होती है। 9 अप्रैल को हमारे दो राष्ट्रवादी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक कुचलू को और एक दोस्तों डॉक्टर सत्यापाल को। इसके विरोध में आपका है क्या कि सार्वजनिक सभा जो है जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को पहुंचती है। वहां पर क्या होता है कि जो ओ डायर होता है उसने क्या किया कि बिना मतलब चेतावनी के उस सभा पर क्या की है कि गोलियां चलवाना जो है और चलानी जो है शुरू कर देता है। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे निहत्थे लोग की मौत हो जाती है, और इसी चीज को जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार नाम से जाना जाता है। इस दिन को 13 अप्रैल को ब्लैक डे भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों आपका है यानी कि काला जो है दिन भी कहा जाता है 13 अप्रैल को, ठीक है। अब इसके आपका है कि इस घटना के बाद जो है जो आपके गांधी जी है उन्होंने कैसर हिंद की उपाधि जो है त्याग कर देती है। दूसरी बात, जो रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं जो कि एक बंगाली कवि और नोबेल पुरस्कार वाले होते हैं, उन्होंने भी क्या होता है कि नाइट की जो उपाधि अंग्रेजों ने दी होती है उसे त्याग कर देते हैं। और दूसरी बात आपका है कि एक जो शंकराचार्य होते हैं, जो शंकर नारायण होते हैं, उन्होंने भी वायसराय का जो कार्यकर्ता होता है उस पद से वो त्याग कर देते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो ओ डायर था जिसने गोलियां चलवाई थी उसको है क्या ऊधम सिंह के द्वारा 1940 में उसकी जो है मृत्यु हो जाती है, मतलब गोली मार की मृत्यु करती है। ये कहा है दोस्तों, कहां मृत्यु करते हैं? लंदन में रॉयल एशियन सोसाइटी के एक क्लब। उम्मीद करता हूँ कि आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड जो बहुत आसानी से समझ गए होंगे, और इसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का आपको प्रश्न है कभी मतलब नहीं छूटेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया इसका प्रश्न रजिस्ट्रेशन न पढ़कर आप इसे नॉलेज के लिए और हमारे राष्ट्रवादी लोगों के लिए है के मतलब पढ़ने का जो स्टार्ट किए। और दोस्तों है क्या कि वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक खिलाफत आंदोलन के साथ। जय हिंद दोस्तों।